Hello students, how are you? We hope that you are so much fine with your studies, with yourself, with your family members, and you are studying properly all the subjects of class 9th and try to understand each and every topic of these all the subjects. And especially if we talk about the science, then we have studied the last chapter number 9, forces and law of motion, in which we have studied the different type of the force and the first law of the motion, and also about the topic inertia. Okay, so inertia, force kya hote hain, unke beech mein difference kya hai, inertia kya hota hai, uska example kya hai, is cheez ko aap samajhiyega, koi problem nahi hogi, theek hai, aur usko read kariyega. So we hope that aap कि उसको प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे और उसको रीड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वीडियोस को बार बार देख रहे होंगे, ठीक है. अब हम जो इस सेशन का जो लेक्चर है वो हमारा है लेक्चर नंबर 3, दैट इट मीन दिस इज द 3rd क्लास ऑफ द चैप्टर 9 एंड ऑल्सो क्लास 9th. ओके, तो चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 3rd में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक मोमेंटम. मोमेंटम टॉपिक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मोमेंटम के बेस पर ही जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होगा. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पहले करा था, उसको पढ़ा था, ठीक है. अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होगा वो मोमेंटम के बेस पर होगा, इसलिए अपनों को मोमेंटम की जानकारी होनी पहले जरूरी है. छोटा सा एक टर्म है, एक क्वांटिटी है, ठीक है. तो दिस मोमेंटम, एम ओ एम ई एन टी यू एम, मोमेंटम. द मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड द मास इन मोशन, यानी कोई भी भारी वस्तु या हल्की वस्तु, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका एक मास है, वो जब मोशन में होता है तब वो मोमेंटम रखता है. कोई भी बुलेट हो गया, गोली हो गई, गोली चली, उसका एक मास है, 2 ग्राम होता है, 4 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है, अलग अलग बुलेट्स का अलग अलग वेट होता है, ठीक है. और वो मोशन के अंदर जा रही है तेजी से, that it means that particular object having the momentum. So each and every object that having their own mass and they are in motion, अगर कोई ऐसा object जो कि mass भी रखता है और motion भी चल रहा है, that particular object having the momentum. Okay, so in this momentum it is also called the mass in motion. क्या कहते हैं, mass in motion, यानी एक ऐसा मास जो कि क्या है, मोशन में चल रहा है, ठीक है. अब ये सिंबल इसका है पी, ये पी क्या है, स्मॉल. इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल पी हो जाएगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसकी यूनिट ऐसे क्यों होगी वो हम आगे प्रोसीड करते हैं. इसको, इस पूरी डेफिनेशन को, दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन, इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है समझने के लिए, ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ सकें. इट इज अ क्वांटिटी, ये एक टाइप की क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टर्म है ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी. कोई भी मूविंग बॉडी का मोशन, मोशन मतलब कोई भी मोशन, कोई भी चल रहा है, और मूविंग बॉडी दैट इट मीन्स ऑब्जेक्ट, बॉडी इज ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उससे रिलेटेड एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मेजर की जा सकती है एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. यानी अगर मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट करें देन दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम. कोई भी बुलेट यानी गोली चलती है बंदूक से, अब उस पर्टिकुलर गोली का जो एक पर्टिकुलर ग्राम है, यानी कि उसका वेट है, उसका मास है, ठीक है, और वो किस स्पीड से चल रही है, यानी अगर हम उसके मास को उसकी स्पीड से यानी वेलोसिटी से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉलिंग एज अ मोमेंटम. इज व्हाट, मोमेंटम. ओके, सो अ क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन भी बताती है और मैग्नीट्यूड भी बताती है. तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों,
क्योंकि जब ये मोमेंटम प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, दैट इट इज फॉर दैट इट मींस मोमेंटम। तो इसको हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास जिसका यूनिट क्या होती है, केजी किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड। यहां पर क्या हो गया, केजी हो गया, ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड। तो केजी इनटू मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, मोमेंटम। इसलिए मोमेंटम ई जो होगा, ई इज इक्वल टू व्हाट, केजी मास इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। यहां पर जो हमारे पास होएगा, ये जो है गलती करती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो ये मीटर पर सेकंड होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, बट हियर वी हैव नॉट यूज द एक्सेलरेशन हियर। सो मास यानी केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, वेरी गुड। सो द पी इक्वल टू एम इंटू वी, एम मास, v velocity, where m is the mass of the body and v is velocity of the body. So simply this is the momentum. Momentum क्या होगा, product होगा mass और velocity का। अगर कोई object है उसमें mass है, और अगर वो किसी speed से चल रही है, और अगर हम इन दोनों को multiply कर दें तो वो एक अलग quantity बनकर आएगी, momentum। Okay? अब इसे related जो है हम आगे का जो topic करेंगे वो करेंगे second law of motion। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये किस पर भी है, किस पे डिपेंड होगा, मोमेंटम पर, जो भी अभी हमने पढ़ा मोमेंटम के बारे में। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो हमने मोमेंटम पढ़ा, ठीक है। अब जैसे एक बुलेट है, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मोमेंटम का मैंने बुलेट के साथ एग्जांपल दिया, उसको याद रखिएगा। एक बुलेट है, एक गोली है, उसकी एक अपना एक मास है, एक वेट है, और एक वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो मास और वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, मोमेंटम, यानी पी। ओके, अब वो बुलेट जो है वो टकरा कर, जैसे वो गई और वो इसके साथ बोर्ड के साथ स्ट्राइक करी, टकरा कर वापस मुड़ी और मुड़कर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में गई, तो उस वक्त उसका मास तो वही रहेगा पर वेलोसिटी बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी भाई, वो जब 2 ग्राम की है तो तब भी वो 2 ग्राम की ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ से तेज आ रही थी, हो सकता है टकराने के बाद वो और तेज हो जाए या फिर स्लो हो जाए, लेकिन वही की वही स्पीड या वेलोसिटी नहीं रहेगी। दैट इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी, और दैट इज कॉल्ड, जब वेलोसिटी बदल गई, तो देखो पहले जो मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, यानी जो भी वेलोसिटी थी, टकराने के बाद क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, यानी वो जो वेलोसिटी है उस वक्त वो, तो उसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि यहां पर मास इनटू वेलोसिटी में वेलोसिटी अलग है, टकराने के बाद वेलोसिटी अलग है, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई का जो मेजरमेंट होगा, मल्टीप्लाई जो होगा, जो वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आएगी, ठीक है। तो उसे कब कहेंगे, चेंज ऑफ द मोमेंटम, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द, ये प्रपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ये बुलेट आई और इस बोर्ड के द्वारा अपोजिट फोर्स अप्लाई किया गया, उस जिसके कारण वो क्या हुआ, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, बाय द अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जो है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स किया गया है, ठीक है। इस प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फेयर, ये था आपका
ये आपका जो है पेज नंबर जो है, ये आपका पेज नंबर इस पर है, मैं आपको मैंने अभी बताया नहीं है, ये पेज नंबर जो है 119 पर है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जो अनबैलेंस फोर्स लगाया गया है उसके द्वारा जो चेंज हुआ है मोमेंटम में उसका रेट, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट वी हैव डिस्कस्ड दैट इट मींस द फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। सो दैट इज द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, या फिर इस पूरे को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं कि क्या डिराइव करके क्या आएगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m, माना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m है, वो मूव कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जो वेलोसिटी थी वो हो गई इनिशियल, फिर उसके बाद किसी कारण से, चाहे वो टकराए या फिर किसी और कारण से कोई और फोर्स लगने के कारण उसने अपनी वेलोसिटी बदल दी, तो उसके बाद जो वेलोसिटी हुई वो हुई v, यानी फाइनल वेलोसिटी। लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड द एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी, और एक्सेलरेटेड हुई यानी उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ, एक्सेलरेटेड हुई, तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई v हो गई एट टाइम t, किसी समय में। तो डेफिनेटली पहले मोमेंटम क्या था, पहले क्या था, p इक्वल टू m इनटू v, या p इक्वल टू m इनटू u, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इट मींस u, तो पहले वाला जो हो गया इनिशियल हो गया p इक्वल टू m इनटू u, तो ये इनिशियल मोमेंटम है, ये इस तरीके से बुलेट जा रही है, यहाँ पर जो मोमेंटम, यहाँ पर इस बुलेट जो है, इस बुलेट का मास है m, वेलोसिटी है u, ये यहाँ से टकराई और टकरा कर वापिस ऐसे गई अंदर, इसके अंदर से छेद होते हुए यानी कि इंसर्ट होते हुए और वापिस इस तरीके से गई। अब यही बुलेट का जो वेट है, जो मास है, वो भी m ही रहेगा, जो बुलेट का मास यहाँ पर था वही बुलेट का मास यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी, ये अब क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब ये इसको हम क्या देंगे, फाइनल वेलोसिटी v, मास सेम रहेगा बट वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, यानी स्पीड अलग अलग हो जाएगी, तो इनके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मोमेंटम यानी p, और इसके प्रोडक्ट को भी क्या कहेंगे, मोमेंटम यानी p। अब इसको हम क्या देंगे, p1, और इसको क्या कह देंगे, p2, ठीक है, प्रोसीड करते हैं आगे। इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो p1 हो गया, यानी मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p2, यानी मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब इस वैल्यूज को यहां पर रखते हैं, नाउ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज हुआ है, चेंज कैसे करेंगे, जो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इट मींस p2 माइनस p1 अपॉन t, टाइम टेकन t। ओके, सो वी कैन से बाय पुटिंग द वैल्यूज हियर, फोर्स दैट इट मीन f, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p2, p2 की वैल्यू क्या है, mv, p1 ये माइनस हो गया, p1 की वैल्यू क्या हो गई, m u अपॉन t। ओके, अब हम इसको यहां पर करते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mv माइनस mu, दैट इट मींस अब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, f इक्वल टू वो कांस्टेंट आएगा k, स्मॉल k, ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट k, m को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। नाउ इट इज ऑल्सो रिटन एज f इक्वल टू k t
ठीक है ना, ये स्मॉल के है, स्मॉल के, और ये एम, एंड दैट कंप्लीट बी माइनस यू ऑफ ऑन टी इज बिकम ए। ए क्या है? एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो दैट इज द एक्सेलरेशन। तो हम इसको एफ इक्वल टू क्या कहेंगे, के एम ए। इफ k equal to 1, constant है, constant की value अगर 1 हुई, then तो फिर f equal to क्या हो जाएगा, ma। ये expression आएगा हमारा last, f equal to ma। तो हमने इससे ये बताया कि जो force जो होगा, वो mass और acceleration का product के बराबर होगा, यानी mass और क्या acceleration चल रहा है, उसके product के equal क्या होगा, force होगा, ठीक है ना। तो f equal to ma। Here, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर ये a की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस u अपॉन, ये भाई हमने इसकी जगह पर हमने a रखा, acceleration क्या होगा, change in velocity upon time, तो इसकी जगह पर हम ये रखे, so f equal to ma, that is the mathematical expression of the first service, second law of the मोशन, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के जो है इसमें आप रीड कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है पेज नंबर 119 पर दे रखा है, ठीक है, और उसके लास्ट में आपको पूरा कंप्लीट दे रखा है, उसके बाद भी ये बता रखा है कि फोर्स जो है, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज हेयर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होगी या फिर न्यूटन होगी, न्यूटन भी कह सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होगी, आपको मैंने बता रखी है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मास क्या होता है, केजी, तो ये इसकी और यूनिट क्या होगी, केजी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब मास जो है, सॉरी फोर्स जो है, दैट फोर्स द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, और वी कैन से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से है, एक्सेलरेशन से है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास की होती है किलोग्राम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर पूरी पूरी किसके बराबर हो जाएगी, एफ के बराबर हो जाएगी, यानी फोर्स के बराबर होगी, और फोर्स क्या होगा, न्यूटन। ओके, वेरी गुड। तो हम इससे हम ये बता सकते हैं, सो द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, एक ऐसा ऐसा मेथड बताता है जिससे हम फोर्स को मेजर किए कर सकते हैं, और कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई करके मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके फोर्स को मेजर कर सकते हैं, ये बात बताता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो दैट इज आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट and the simple statement of the second law of motion. We hope that you have studied, got this particular thing, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, और इसको read करिएगा, examine करिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, कोई problem होती है तो बिल्कुल मेरे को बताइएगा, ठीक है ना, तो आप इसको work करें, ठीक है, तो हम अगला topic जो है अगले session में लेते हैं, till then, thank you.